दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पे जाना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। और सबसे पहले जो ऊपर सर्च है वहाँ पे हम सर्च करेंगे वर्ली डिज़ाइन। और जैसे ही हम वर्ली डिज़ाइन सर्च करेंगे तो ये हमारे चैनल का नाम है, ये इस तरह से ओपन होगा। सबसे ऊपर में आप देखिए वर्ली डिज़ाइन, उस पर क्लिक कर लेना है आपको। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए सब्सक्राइब कर लेना है, और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना है। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको हर एक पल मिलती रहेगी और मेरी कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं कर पाइएगा। और साथ में ही वीडियोस में आप देख सकते हैं मैंने जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारे, और जिस पे आप कमेंट्स करते हैं बना के बताने के लिए वो सारी वीडियोस। और वहाँ भी ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, गेट पर्दा डिज़ाइन और भी बहुत ऐसे डिज़ाइंस हैं, तो आप यहाँ से आप मेरे चैनल को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप मेरे चैनल को अच्छे से देख सकते हैं, तो प्लीज़ आप विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये गेट पर्दा डिज़ाइन बना के बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस डिज़ाइन को आसानी से बनाना सीख पाए। तो आप अपने हिसाब से जो भी कलर का यूज़ करना चाहते हो गेट पर्दा डिज़ाइन में, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। और इसमें एक तरफ का भी रेडी करने के बाद तब हमें दूसरे तरफ का भी रेडी करना होता है, और बीच में लड़ी बनाया गया है। तो अगर ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कैसे बनाया गया है। तो देखिए ये गेट पर्दा डिज़ाइन है जो मैंने, इस तरह की पट्टी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे इसे देख सकते हैं। और देखिए इसमें हमने एक तरफ का भी बना लिया है, आप जितना घर चाहे बना सकते हैं। देखिए आप चाहे तो 6 घर भी बना सकते हैं और आप 8 घर पे भी बना सकते हैं, पहले हमें एक तरफ का भी तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से घटते हुए क्रम में जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2 और ये लास्ट में 1, इस तरह से बना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सेकेंड जो लाइन खाली है एक तरफ का भी तो हमारा रेडी हो चुका है, तो हमें दूसरी तरफ क्या करना है। देखिए दूसरी तरफ हमें सेम इसी तरह का भी तैयार करना है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है। भी सेम हमें अलग अलग भी बनानी है, आप चाहे तो एक साथ पहला लेयर बनाने के बाद उसमें भी 2 घर बना सकते हैं, ज्वाइन करके 2 भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ी सी गैपिंग हमें छोड़ देनी है, 8 घर या 6 घर इस तरह से, आप चाहे तो नहीं भी छोड़ सकते, आपके ऊपर है। उसके बाद देखिए यहाँ हमें एक ही जगह से एक फंदा, 2, 3, 4 और हमने डबल उनसे इसे बुना है, आप चाहे तो सिंगल उनसे भी इसे बना सकते हैं। देखिए उसके बाद हमें चैन ले लेना है, आप चाहे तो 15, 20, 20 चैन भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 25 चैन भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है जितना आप चैन लेना चाहें। उसके बाद हमें चैन लेने के बाद यहाँ पे हमें एक गुल्ली बना लेनी है, गुल्ली बना के हम इसे बांध लेंगे। उसके बाद हमें बीच में देखिए एक बड़ा चैन और इसमें से हमें एक और गुल्ली बनानी है, मतलब यहाँ पे हमें 2 चैन और थोड़ा सा बीच में गैपिंग रखना है 2 गुल्ली के बीच में, और गुल्ली की मोटाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे बांध लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से, अगर आप 20 चैन ले रहे हैं तो फिर से हमें इस साइड भी 20 चैन ले लेना है, या फिर आप चाहे तो 15 चैन भी ले सकते हैं। मैं चैन इसलिए आपको पूरा नहीं बता रही क्योंकि आप जितना भी चैन लेना चाहे आप आसानी से लेके बना सकते हैं। उसके बाद आप कुछ दूरी पे 4-5 घर छोड़ने के बाद आप देख ले कितनी कितनी दूरी पर आपको बनानी है, तो आपको फिर सेम एक ही जगह से 4 या 5 फंदा निकाल लेना है।
तो सेम इसी तरह से हमें पहला स्टेप करना है। तो देखिए इसमें आप 15 चैन पे भी कर सकते हैं या 20 पे भी, मैंने कहा आपको, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो फिर हमें सेम इसी तरह से हमें दो गुल्ले बनाने हैं और फिर थोड़ी सी दूरी पे हमें इसे जॉइन करना है। देखिए सेम इसी तरह से हम इस साइड भी बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने बना लिया है, देखिए 1 2 3 3 2 5 6, आप चाहे तो 6 5 जितना घर बनाना हो आप जितना खंड बना सकते हैं। उसके बाद हम जब लास्ट में आएंगे तो हमें इसी तरह से हमें 5 यहाँ पे या 4 एक ही जगह से निकाल लेना है। एक ही खंड से उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए उसके बाद हमें 15 चैन ले लेना है या आप अपने हिसाब से जितना चैन लेते हो। उसके बाद हमें एक गुल्ली बना लेनी है। और उसके बाद हमें एक चैन लेना है और हमें फिर से एक गुल्ली बना लेनी है। और उसके बाद देखिए इस तरह से दो गुल्ली और फिर 15 चैन लेने के बाद या 20 चैन ले लें आप। उसके बाद हमें फिर एक ही जगह से हमें 5 फंदा निकाल लेना है या फिर आप 4 फंदा निकाल लें। तो सेम इसी तरह से हमारा सेकेंड स्टेप भी टोटल जाएगा इसी तरह से। सेकेंड स्टेप भी हमारा टोटल हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, फिर साइड में हमें इसी तरह से फंदा ले लेना है और 15 चैन ले लेना है और एक गुल्ली बना लेनी है हमें फिर से। देखिए और उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो मेन है यहीं पे, देखिए हमें दोनों के बीच बीच इस तरह से हमें, देखिए इस तरह से फंसा लेना है और हमें इसी तरह से फंदा यहाँ से पहले बांध लेंगे हम यहाँ पे, देखिए इस तरह से दो फंदा हमने लिया है। बांधने के बाद हमें फिर से एक गुल्ली बना लेनी है। गुल्ली बनाने के बाद हमें 15 चैन ले लेना है और
उसके बाद हमें बीच से इसे 15 चैन लेने के बाद यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस तरह से ज्वाइन करना है हमें, और उसके बाद हमें यहाँ पे फंदा ले लेना है। तो सेम इसी तरह से हमें इस स्टेप को ले जाना है। तो देखिए इस तरह से ये स्टेप पूरा हो गया है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस लाइन को छोड़ देना है हमें, और यहाँ जहाँ हमने दो फंदा लिया था इसके अंदर से अब हमें पांच फंदा लेना है, या फिर आप चार फंदा ले। और अब हमें यहाँ फिर से सेम वही स्टेप्स को रिपीट करने हैं जो हमने शुरू में आपको बताए थे। अब हमें फिर से यहाँ 15 चैन लेना है और दो गुल्ली बनाना है, फिर से 15 चैन लेना है, और जहाँ हमने तीन गुल्ली ज्वाइन किया है फिर से हमें वहाँ पांच फंदा लेना है। तो देखिए आप, देखिए सेम इसी तरह से हमें लेते जाना है। तो इसी तरह से हमने सेकेंड स्टेप को भी कंप्लीट कर लिया, जिस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया था। तो ये इसी तरह साइड से एक एक घर हमें छोड़ते हुए बनाते जाना है। देखिए दो घर, और हम फिर यहाँ से तीसरा घर निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, और हम फिर हम इसके यहाँ से हम निकालेंगे और सेम वही स्टेप्स होंगे, बस वो घटते क्रम में होंगे। तो आप देखिए, thank you.
देखिए इसी तरह से ये घटते क्रम में 6, फिर 5, फिर 4, इस तरह से 3, 2, 1 करके बन गया। और इसके बाद जो ये बीच में आप जो देख रहे हैं, जिसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसमें अब हमें क्या टमाटर बनाने हैं, या फिर आप टमाटर की जगह पे आप चाहे तो इसमें से लरी भी गिरा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं। तो देखिए अब हमारा दोनों भी रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें टमाटर बनाएंगे, जो मैंने बहुत ऐसे वीडियोज़ में आपको बना के बताया है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, गुलाबी कलर का मैंने यूज़ किया, आप चाहे तो अदर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप रेड, ब्लू, जो भी कलर आपका फेवरेट हो। तो देखिए यहाँ पे हमें किस तरह से बनाना है, एक घर से हम 1, 2, 3 और इसे हम बांध लेंगे। उसके बाद हमें फिर दूसरे घर से 1, 2, 3 इसे भी हम बांध लेंगे। उसके बाद हम फिर तीसरे घर से, इसी तरह से हर एक घर से 3-3 बार लेके हमें इसे बांध लेना है।
तो इसी तरह से हम हर एक घर से 3 दिन लेकर और इसे बांध लेंगे। देखिए इस तरह से इसे बांध लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें देखिए इस घर से यहाँ पे से लास्ट वाले चैन में पकड़ के और इस तरह से हमें इसे बांध लेना है। तो इस तरह से हमारा ये टमाटर बन चुका है और अब हम इससे तोड़ लेंगे उनको। तो देखिए ये इस तरह से बना। तो इसी तरह हम हर एक खंड से टमाटर बना लेंगे। देखिए सब में हमारा इसी तरह से सेम बना लेना। तो देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। इसी तरह से टमाटर बना लेना है, 2 भी बना लेना है और बीच में इस तरह से लड़ी गिरा लेना है। आप चाहे तो साइड से भी लड़ी गिरा सकते हैं। तो इस टाइप से जो है हमारा गेट पर्दा डिज़ाइन बनके रेडी होगा। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें कि ये डिज़ाइन कैसा बना है। तो दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।